उमलिंगला जाना है मम्मी? हाँ जाना ना, आप घर के लिए। गड़ी बाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हानले में एक बड़ी थी ठंडे हानले में हमारी सुबह हो गई है। आज बहुत बड़ा दिन है, जाना है हमें उमलिंगला पास, दुनिया के सबसे ऊंचे पास पे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपनी रजाई छोड़नी पड़ेगी। अरे भैया पहले तुम अपनी दाढ़ी तो बनवा लो, मेरे पिताश्री जैसे दिखते हो, नहीं तो। इतनी ठंड में दाढ़ी बनाना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन अब सफेद दाढ़ी भी दिखने लगी है और उमिंगला पास की जो मेरी फोटो है उसमें सफेद दाढ़ी नहीं दिखनी चाहिए। सामान पूरा फैला पड़ा हुआ है, 7:15 बज रहा है। कल जब आए थे तो बहुत गर्म थे, रात को सोए तो वाकई में बहुत ठंडा हो गया था। सुबह हो गई है, धूप निकल आई है, तो सबसे पहला टास्क है शेव करना। शेव करते हैं, नहाते हैं और फिर निकलते हैं। तैयार हो मम्मी? हाँ अपन तो हमेशा तैयार, एवर रेडी। तो सामने आप देख रहे हैं हानले में धूप खिल गई है, हम लोग निकलने की तैयारी में हैं। पीछे आपको वो होमस्टे दिख रहा है जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, ये हैं इनके ओनर नवांग जी। आपका होमस्टे का नाम क्या है सर? मेरा होमस्टे का नाम नवांग देजेन होमस्टे सर। अच्छा, कब से स्टार्ट हुआ है? अभी सर इसी साल किया सर। तो मम्मी सारा सामान जम गया? सारा सामान जम गया, कल रात को बहुत थक गए थे और होम स्टे ढूंढने में भी बहुत देर लग गई, तो कल मेरा पेशेंस भी जवाब दे गया, मैं गुस्सा कर रही थी। कल हम एक दूसरे पर चिड़चिड़ा रहे थे, कल बहुत ज्यादा आपाधापी हो गई थी बीच में, गाड़ी का 19:20 और फिर होम स्टे ढूंढना। लेकिन अब इतनी ऊंचाई पे पहुंचना है तो उसके लिए थोड़ा सा ये सारी चीजें होती है, बट आज सब कुछ सही है। गाड़ी में 19 लीटर डीजल में लेके आया था, वो पूरा डाल दिया है। गाड़ी लास्ट टैंक फुल करने के बाद 290 किलोमीटर चली थी और वो पूरा 19 लीटर चला गया। आई थिंक गाड़ी वही 14-15 का कुछ गाड़ी ने एवरेज दिया है। तो उमिंगला करने के बाद हम लोग जो वापस खरू तक पहुंचेंगे तब तक आई थिंक पेट्रोल सफिशिएंट है गाड़ी में। तो मम्मी अभी अपना क्या है मिशन? उमिंगला पास। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। तो निकले हुए हमें बस 5 ही मिनट हुए थे, मैंने रास्ते में गाड़ी रोक दी क्योंकि बिकॉज एक चीज आपको दिखानी थी। हानले अभी तो उमिंगला पास का एक तरीके का बेस कैंप बन गया है, लेकिन हानले पहले से फेमस है बिकॉज यहाँ पे बहुत दूर वहाँ उस पहाड़ पे इंडियन गवर्नमेंट की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। वहाँ अगर आप जाते हैं तो टेलीस्कोप से वहाँ जो लोग रहते हैं वो आपको परमिशन दे देते हैं देखने की, तो जिनको इन चीजों में इंटरेस्ट है वो वहाँ जाके देख सकते हैं। आज मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा बिकॉज वहाँ जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा। लो मम्मी, दुग दुग होना चाहिए। दिन की शुरुआत मम्मी की खूबसूरत आवाज के साथ। इस आवाज में एक अजीब टाइप का फील है, मम्मी को भी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये आवाज सुन के। मुझे लगता है कि पुराने टाइम से अपन ने सुनी है ना। हाँ। तो एक अपनापन सा लगता है। तो आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि हानले से उमिंगला पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक फोटीला टॉप है और एक नुरबुला टॉप है। दोनों ही हाई ऑल्टीट्यूड पास है जिनको हमको क्रॉस करना पड़ता है। हम उमिंगला कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली दिन में हम 3 हाई ऑल्टीट्यूड पास क्रॉस करने वाले हैं। उमिंगला उन दोनों से काफी ऊंचा है, तो मैंने डिसाइड ये किया है कि नुरबुला टॉप की साइड से जाऊंगा और फिर डिसेंड फोटीला साइड से करूंगा, क्योंकि फोटीला की जो असेंड है वो थोड़ी ज्यादा मुश्किल है। आज रंगदुम को मैं कोई भी मुश्किल चीज नहीं करवाना चाहता, बस हम पहुंच जाएं उमिंगला तक और मिशन हमारा अकम्प्लिश हो जाए। ये जो गोप्रो है इसने भी मेरे को कल बहुत रुलाया था। कल रात को हम लोग जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे उसका एक रीजन ये भी था, ये हैंग भी हो रहा था और आखिरी में ये चालू होना ही बंद हो गया चार्ज होने के बाद। फिर सवेरे उठ के ये फिर चालू हुआ और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले वो जो आपको बीच में मैंने एस्ट्रोनॉमिकल एरिया दिखाया था तब ये फिर हैंग हो गया। फिर उसके बाद मैंने मेमोरी कार्ड चेंज किया तो अभी तो भगवान की दया से ठीक चल रहा है। तो आज के दिन की आपाधापी हो गई है शुरू। एक्चुअली जैसे मैंने बताया मैं एक टॉप होते हुए दूसरे टॉप से आना चाहता हूँ। सब लोग कह रहे थे उस तरफ से चले जाओ वही रास्ता ज्यादा इजी है, लेकिन नहीं, हमको देखना है दूसरा टॉप भी। पहले तो मैं पता नहीं कौन सी एक ट्रेल पे चला गया, पक्का कच्चा रास्ता है ऐसा और बहुत सारी ट्रेल्स निकलती है। फिर कहाँ पहुंच गए अपन? फिर उधर आर्मी कैंप पे घुस गए। आर्मी कैंप के चेक पॉइंट पे घुस गया। तो वहां पे जो चेक पॉइंट था वहाँ गेट लगा हुआ था, अंदर से लोगों ने इशारा किया पीछे से ये पहाड़ के इस तरफ आर्मी कैंप है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, ये भी लग रहा है पूरा सिक्लूडेड एरिया है। तो आज की ड्राइव में फिर से आने वाला है ताबड़तोड़ मजा, बस रंगदुम उमिंगला तक बस मेरा साथ दे दे। रंगदुम तो बेचारी दे ही रही है, स्मार्टनेस तुम ही दिखा रहे हो। वैसे इसकी कोई गलती नहीं थी, दोनों बार मेरी, मैंने ही कुछ 19:20 कर दिया था। तो ये है रास्ता, कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, चारों तरफ पहाड़ है और ट्रेल्स ही ट्रेल्स दिख रही हैं। क्या बोलती हो मम्मी? बस पता लगाते जाओ और चलते जाओ। नहीं, यहाँ पता लगाने का अब कोई सीन नहीं है, मेरे को लग नहीं रहा है कि यहाँ उनको कोई भी मिलने वाला है। आप लोगों को ना मैं एक पूरा यू टर्न लेके ये पूरा एरिया दिखाता हूँ घुमा के। यहाँ पे तो अपन आराम से घूम सकते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं। टैन टन टन, अब ये देखिए चारों तरफ पहाड़, पहाड़ी रेगिस्तान। कोई बात नहीं, इसमें हम रास्ता बनाएंगे।
इस रास्ते पे अगर आप आगे रास्ता नहीं भटकना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटी सी टिप, ये दो पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेल्स बहुत सारी निकल रही हैं, लेकिन ऐसे दो पत्थर एक ही ट्रेल्स में है, ये शायद आर्मी ने लगाए या लोकल्स ने लगाए हैं ताकि लोग रास्ता ना भटकें। तो ये दो दो पत्थर देखते जाइए, उनके बीच से निकलते जाइए और सामने आपको एक ऊंचा सा पहाड़ दिख रहा होगा, उस पे एक रोड दिख रही है, कैमरे में कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। यहाँ से हम सीधा उस पहाड़ पे चढ़ना चालू करेंगे और वो पहाड़ को जब हम स्केल करेंगे तो ही आएगा वो टॉप जहाँ हमें पहुँचना है। मतलब रहता तो हमेशा से मेरे संग था, लेकिन अब एक महीने बिल्कुल मेरे संग रहता है तो इसका दिमाग और इम्प्रूव हो गया है। क्या बात है, क्या बात है, मम्मी सामने रास्ता देखो, रंगदुम ने छुई 60 की स्पीड काफी देर बाद। ऊपर जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, जहाँ बर्फ बर्फ जमी है, दूर जाके उमिंगला आएगा। ये एप्पल ले ना। नहीं एप्पल नहीं, मुझे वो चाहिए संतरा। तुझे कैसे पता कि संतरा चिल्लाई में मैंने देख लिया था कि संतरा बहुत मीठा। अच्छा मतलब इसलिए आप अकेले दवा खाने वाली थी, इसको खट्टा नहीं खाया जाता ना इसलिए। हाँ, तो क्या हुआ? मीठा तो मतलब मुझे भूखा रखोगी आप? भूखा क्या रखूंगी, एप्पल एप्पल भी मीठा है। वैसे ये जो खाने वाला पूरा किस्सा है, कल रात को भी आके और आज सवेरे ही मैंने दबा के खाया, मैंने नियम तोड़ दिया अपने, जबकि खाना नहीं चाहिए, लेकिन कल मैं इतना थक गया था, मुझे भूख लग रही थी, रोटी दाल चावल सब खाया मैंने, आज सवेरे भी मैंने ब्रेड आमलेट मंगा लिया, मम्मी अभी तक कायम है, रात को भी मम्मी ने नहीं खाया और सवेरे भी सिर्फ नाशपाती और सेब यही सब खा रही है। अपनी यात्रा सुविधा अच्छे से संपूर्ण करनी है तो नियमों का पालन करना चाहिए बेटा। तो दिन का हमारा ये फर्स्ट ब्रेक है, मम्मी कह रही थी कि तूने एक दो दिन से मेरे को चलाया नहीं है, थोड़ा 5 मिनट तो कम से कम चलना चाहिए जिससे थोड़ा सा अपने को डिफरेंस ऑफ एयर समझ में आए। एकदम से हाई ऑल्टीट्यूड पे उतर के अगर आप बाहर उतरते हो चलने लगते हो तो दिक्कत हो सकती है। खैर जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग पहाड़ों के बीच से साए साए करते हुए आए, अपनी गाड़ी जो मैंने घुमाई थी वहाँ नीचे घुमाई थी, दूर आपको रास्ता दिख रहा होगा, और अब हम लोग ने ये पहाड़ चढ़ना चालू कर दिया है, यहीं पे आगे जाके आएगा थोड़ी देर में एक पहला टॉप हमारा। मम्मी हवा तेज है, ज्यादा देर नहीं चलने का। हाँ ज्यादा देर नहीं चलूं। लो मम्मी जन्नत दिख गई, जन्नत। अभी कहाँ दिख? अरे ये देखो ना, अभी आपको दिखेगी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ना, पढ़ो मम्मी इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। इधर डेमचोक और उमिंगला है, इस तरफ हांगले है और पीछे जुरसार। अपन को जाना है डेमचोक और उमिंगला। अब आप यहाँ पे सुनापन जो होता है उसको देखिए, आर्मी एरिया के पीछे से जो मैं ऑफ रोडिंग करते हुए पहाड़ों के बीच से आया, तब कांटा था 11 किलोमीटर, अभी 33 किलोमीटर है, यानी कि 22 किलोमीटर हमने ऑफ रोडिंग की और एक गाड़ी, नॉट अ सिंगल व्हीकल, किसी ने हमको क्रॉस नहीं किया है, बस हम एक दूसरे को से बात करके टाइम पास कर दिए। तुम रुको रुको करते रहे और संतरा खत्म हो गया। पूरा खा गई है मम्मी, गलत बात है। तूने तो एग ऑमलेट ब्रेड खाई थी, मैंने थोड़ी खाई थी, चाय भी पी थी तूने, सब किया था, तो एक संतरा नहीं पीछे रखा है वैसे, और रखे खुद कर दो, सेल्फिश हो, ले 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 लास्ट। पहला जो टॉप आने वाला है उसका इंक्लाइन काफी ज्यादा स्टीप है, लेकिन अगर रोड जैसी काली हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हर बार जब मैं अपने पहले दो पास पे पहुंचा, मैं शेरोशायरी करता था, मैं लिखता था, प्रिपेयर करता था उसको पहले, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं प्रिपेयर करना भूल गया। मम्मी को मैंने डायरी लेके बिठा दिया है कि जैसी कोई थॉट है उसको नोट डाउन करो, उमिंगा पहुंचने से पहले पहले एक बढ़िया मस्त वाला शेर लिखना है मेरे को। 4 लाइन्स तो लिख ली हैं, 4 लिखनी और बाकी हैं, मम्मी कुछ आइडिया नहीं दे रही हैं। दे तो दिए। सो हियर कम्स द फर्स्ट टॉप ऑफ द डे, क्या कहते हैं, नूरबुला टॉप। अच्छा यार, कुछ बाइकर्स यहाँ पहुँच गए अपने से पहले, ये मुझे हमेशा गलत लगता है। हम पहुँच गए नूरबुला टॉप पे, 17,328 फीट। मैं मम्मी को मना कर रहा था कि सीधा उमिंगला में उतरना, लेकिन मम्मी यहाँ थोड़ी देर के लिए उतर गई। खैर ठीक है, यहाँ पे मम्मी आप एक काम करो, इतना काफी है, हमने फोटो भी खिंचा ली, आप जाके बैठो। यहाँ पे एक छोटा सा व्यू पॉइंट बना हुआ है, मेरा मूड हो रहा है वहाँ तक जाने का। मम्मी मैं वहाँ तक जाके आ रहा हूँ, आप गाड़ी में बैठो जाके। हाँ ठीक है। ये पास चांगला और खारदुंगला जितना ही ऊंचा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन चूंकि उमिंगला पास में है इसलिए ये ओवरशैडो हो जाता है। तो मैं वहाँ वरंगदुम खड़ी है, वहाँ से यहाँ तक चल के आया हूँ। कुछ नहीं है, एक ऐसा पॉइंट बना के यहाँ पे रखा हुआ है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, और इस तरफ जो आपको ये पहाड़ दिख रहा है इसी के पीछे से हम लोग आए हैं। बहुत हवा बहुत तेज है, हद से ज्यादा तेज है,
मैंने दरवाजा खोला, दरवाजे के साइड पकड़ में मेरा रुमाल था, वो रुमाल ही निकल के उड़ गया। फटाफट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मम्मी आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, अच्छा सुनो तो, इजी क्वेश्चन है, आपको बस पढ़ना है कि इस पे क्या लिखा है। ये क्या क्वेश्चन होता है? गेटवे टू ओम लिंग लापास। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ से रोड डाइवर्ट होती है उमिंगला पास की तरफ। ये जो रोड है हम लोग इस तरफ से आए हैं और हमें जाना है इधर, इधर ऊपर जाके करीब 22 किलोमीटर, ओनली 22 किलोमीटर बचे हैं हमारे लास्ट माइलस्टोन में इस टूर के। उसके बाद हम लोग यहीं से आएंगे और यहाँ से सीधा निकल जाएंगे और जो फोटिला पास है वहाँ जाएंगे। यहाँ पे ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है डेमचोक। ये एक्चुअली रोड जो है ये सिर्फ विंगला पास के लिए नहीं है, ये रोड सीधा डेमचोक गाँव को इस एरिया से कनेक्ट करता है। डेमचोक एक बहुत इंटीरियर एरिया में गाँव है जो कि चाइना के साथ जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके काफ़ी पास है। वेलकम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे आप एंटर कर रही हो और एंटर करते करते शानदार ध्वनि आएगी एक शानदार ब्रिज की। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जा रहे हैं रोड ज्यादा फाइन बढ़िया होती जा रही है, और वहाँ नीचे में तो रफ थी। जब लोग हानले से निकले तो थोड़ा ऊपर आगे तक आने के लिए ऑफ रोडिंग करनी पड़ी, लेकिन अब आप सोचिए 19,000 फीट। अब तक खारदुंगला चांगला ये सब 17,700-17,800 की ऊंचाई पे हैं, लेकिन अब हम 18,000, अब हम 19,000 फीट की, 19,000 से भी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, इतनी ऊंचाई पे पहुंचने वाले हैं। और रोड देखिए, हमारे एक वीडियो में इसी सीरीज़ की आई थिंक स्टार्टिंग में जब हम बता रहे थे कि हम लद्दाख निकल रहे हैं, तो हम किन्हीं एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि लद्दाख क्यों जा रहे हो, वहाँ सिर्फ नंगे पहाड़ हैं। तो खूबसूरती किसी जगह में नहीं होती, देखने वाले की आँखों में होती है। अब आप सामने देखिए, मतलब ऐसे पहाड़, दूसरे पहाड़ों की परछाई पड़ रही है उस पर, ऐसे नंगे पहाड़ों को देखने में काफ़ी मज़ा अलग ही है। हम बड़े स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, कपूर मम्मी खूब कपूर सुंगा रही हैं, डाइट एकदम सही रखी है, मम्मी का टाइम भी वहाँ पे उतरने का फिक्स है। कितनी देर के लिए उतरोगी मम्मी? 10 मिनट, घड़ी देख के 10 मिनट के लिए। मैं तो कभी कभी 1 घंटा रुक जाता हूँ पासेस में, लेकिन 10 मिनट में मैं थोड़ी ज़्यादा देर रुकूंगा, आप गाड़ी में बैठ जाना। ये सामने जो बर्फीला पहाड़ दिख रहा है उसकी चोटी पे जाके उमिंगला पास है। थोड़े सा बर्फीली सड़कों का भी सामना करना पड़ेगा, ऊपर से कुछ बाइकर्स नीचे उतरते हुए मुझे दिख रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे पहले वर्ल्ड हाईएस्ट पास बोलीविया में था, विच वॉज समथिंग 18,000 something था, लेकिन जैसे ही उमिंगला पास बना हमने बीआरओ ने वर्ल्ड हाईएस्ट पास का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मैं, मेरी माँ और मेरी रंगदूम और उमिंगला पास कोई भी ऊंचा पास कितना भी इजी लगे कि अच्छी रोड बन गई है, लोग जाके आ चुके हैं, लेकिन हर जगह हर ऊंचा पास मुश्किल होता है, थोड़ा डराने लगता है। अब यहाँ पे हो ही रहा है कि गाड़ी बहुत अंडर पार्ट फील हो रही है और जो इंक्लाइन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो मम्मी का पूजा पाठ शुरू हो गया है। नहीं, वैसे भी मैं पूजा पाठ करती हूँ। गाड़ी एकदम से ना, जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत रहती है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, वैसे गाड़ी को भी ऑक्सीजन की जरूरत रहती है जो यहाँ कम रहती है। तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो गाड़ी में पावर थोड़ी कम हो जाती है। बस मम्मी क्या लिखा है? 1,000 हाँ पढ़ो पढ़ो। उमिंगला बस 1 किलोमीटर, रंगदूम आखिरी 1 किलोमीटर बचा है। अरे मर गए, अरे ये कहाँ से आ गया? अरे नहीं घुसाऊंगा, थैंक गॉड। वो भी रुक जाता ना, वो भी रुकता थोड़ा स्लो। अरे रुक जाता भैया, आगे जगह ही नहीं थी। नहीं, स्लो तो होता। चढ़ जा बेटा, चढ़ जा आखिरी में नखरा मत करना, चढ़ जा। पावर ना मम्मी बहुत ज्यादा कम हो रही है। श्री गुरु चरण सरोज राय निर्मल मुकुश धारि। वो दूर दिख रहा है, वो है ना टॉप, वो दिख रहा है बस, मेरे ख्याल से 600 मीटर और बस, अब तो नीचे ही है वो। Here comes the world's highest pass, Bombay! Hooray! Hooray! Yeah, yeah! बच गए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, पूरा पास खाली है अभी, पूरा पास हमने लिए। क्या बात है यार, पास भी घुमाओ गाड़ी कर रहा था आज। क्या बात है यार, मजा आ गया, रंगदूम पहुंचा दिया। क्या बात है, क्या बात है,
अरे क्या बात है, अभी पहुंच गए उमिंगला। अरे तो आखिरकार हमारे टूर के 13वें दिन, पता नहीं 13वां है कि 14वां है, मुझे वो भी ठीक से याद नहीं हो सकता, आपको डिस्टर्बेंस आ रहा हो। मैं, मेरी मम्मी और मेरी रंगनुम, हम तीनों के तीनों पहुंच गए हैं शानदार उमिंगला पास। मैं बहुत ज़्यादा हाफ रहा हूँ। कुछ और आपको बोलूँ उससे पहले मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ दिनों पहले मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा था जिसमें 6 बाइकर्स इसी रोड से यहाँ पे आ रहे थे। उन 6 बाइकर्स की जो कहानी थी, प्रॉब्लम ऐसी हुई कि 5 बाइकर्स तो ऊपर तक आ गए, लेकिन एक बाइकर की बाइक यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे खराब हो गई। स्टार्ट नहीं हो रही थी गाड़ी, आगे बढ़ नहीं पा रही थी। वो जो बाइकर था अपनी बाइक वहीं छोड़ के दूसरे बाइकर के साथ आ गया। 6 यहाँ पहुंच गए, बाइक्स 5 ही आई। सब लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे, लेकिन वो जो छठा बाइकर था बेचारा, यहाँ पे उसकी आंख से आंसू आने लगे। कहने लगा कि मैं आ गया हूँ लेकिन मेरी गाड़ी नहीं आ पाई, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है, बिना मेरी गाड़ी के तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। बाकी लोगों ने बहुत समझाया, वो नहीं माना। तो फिर फाइनली हुआ ये कि 3 बाइकर्स अपनी बाइक लेके रस्सी लेके गए, जैसे जैसे स्टार्ट करके आधे रास्ते धक्का मारते उसको यहाँ तक ले आए। तो मैं जब वो वीडियो देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा, मतलब इतना ज्यादा क्या सेंटी होना, किसी भी हाई अल्टीट्यूड पास पे खुद आना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी आए, लेकिन आज मेरे को समझ में आ रहा है, अगर आज मैं, मम्मी यहाँ पहुंच जाते मान लीजिए और रंगदुम नहीं पहुंच पाती, तो कैसा लगता मम्मी? अपने को भी लगता कि रंगदुम को ले आओ, रंगदुम को ले आओ, उसके बिना अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरे को तो एकदम रोना आ जाता कि अगर 5 किलोमीटर पहले रंगदुम नहीं यहाँ तक पहुंच पाती और किसी से लिफ्ट लेके आना पड़ता। यहाँ पे बहुत तेज हवा है, जितने हाई पासेस में आए थे, चूंकि हाईएस्ट पास है सबसे तेज हवा है, इसलिए मम्मी यहाँ पे पीछे ना ही उतरे तो बेटर है। देख बादल उड़ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं उनके भी ऊपर से उड़ रही हूँ। तो मम्मी ये तीसरा अपना माइलस्टोन है, तो इस खुशी में एक शेर तो बनता है। इशाद, घर में बैठे बैठे हम सोच रहे थे करने का कुछ बवाल, तब मम्मी को आया उमिंगला पास का ख्याल। सबसे पहले हम पहुंचे सच पास और हमने किया बहुत बवाल। शिंगुला पास क्रॉस करते वक्त भी हमें आ रहा था उमिंगला पास का ख्याल। बीआरओ ने 19,000 फीट की ऊंचाई पे रोड बना के कर दिया कमाल, इसीलिए माँ बेटे कर रहे हैं उमिंगला पास में धमाल। तो इस पास के साथ हमारा जो सफर है उसका थर्ड माइलस्टोन, तीसरा माइलस्टोन पूरा हो गया। मैं धमाल कर दूं यहीं से। मम्मी कह रही थी कि मैं एक बार डांस करूंगी, लेकिन बहुत ठंडा है, मम्मी को ना उतारना ही बेटर है। मुझे रास्ते में ऐसा महसूस हो रहा था कि उससे मुझे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी लग रही है, लेकिन यहाँ के तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, वो हवा ज़्यादा है, नहीं तो आज मैं डांस जरूर करती बाहर उतर के। और तो मुझे लग रहा है कि मुझे सच में क्या हो रहा है। आपको ना कुछ नहीं था, जबरदस्ती का आपको डर लग रहा था। आज तैयार हूँ, मुझे डर लग रहा है। मैं थोड़ा एक बार यहाँ पे घूम लूँ, थोड़ा सा मैं आगे चल के आ गया हूँ, जीप भर के एक बार यहाँ पे आसपास घूम लेना चाहता हूँ। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, हम सोचते हैं हर साल आएंगे आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। यहाँ के नजारों को जब मैं जीप भर के अपनी आंखों में भर लूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। यहाँ से हम लोग आए हैं, वापस यहीं से डिक्लाइन आएगा, वो देखिए वो लेफ्ट राइट रोड देख के वो पहाड़ों के नीचे हमें जाना है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन कैफे भी है, यहाँ पे पीछे एक कैफे भी है जहाँ चाय नाश्ता मिलता है, बीआरओ का कैंप भी है, लेकिन अभी सारे के सारे बंद है। मुझे रीजन नहीं पता, शायद टूरिस्ट सीजन अब खत्म हो चुका है या खत्म होने की कगार पे, इसलिए कैफे बंद है। चले अब। हाँ मम्मी, बहुत देर हो गई, जाने का मन नहीं हो रहा है। जाने का मन तो मेरा भी नहीं हो रहा है, लेकिन चलना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल गए थे तमिलनाडु के कुछ बाइकर्स। अब हो गया जाने का टाइम, 1 घंटा बीत गया है मेरा। यहाँ पे सामने है उमिंगला पास का बोर्ड, शानदार उमिंगला पास। बार बार यहाँ पे आने का मौका नहीं मिलता, दिल एकदम अंदर तक आत्मा तृप्त हो गई, बाग बाग हो गया। गाड़ी थोड़े झटके मार रही है मामी, रंगदुम ने तुरंत बता दिया है कि भैया निकलो। पीछे जो बाइकर्स आए थे तमिलनाडु में, आई थिंक 3 जेंट्स थे, 2 लेडीज थी, वो दोनों लेडीज बेचारी रोने लगी वहाँ आके। यहाँ तक पहुँचने की जो फीलिंग होती है ना, थैंकफुली वो लोग काफी लेट आए, हम लोग जी भर के फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर चुके थे। अच्छा, खुशी से रोने लगी। हाँ, खुशी से रोने लगी, मेरे को आंसू नहीं आते, खुशी में मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। चल रंगदुम, अरे इतना ऊपर आई है तो नीचे तो चली ही जाएगी। और खुशी में मेरी शक्ति बढ़ जाती है, एनर्जी में ज्यादा काम कर पाती। बीच में ऐसे कई स्टेजेस आए जब लगा कि ना हो पाएगा, लेकिन बस लगे रहे लगे रहे। कर्तव्य पथ पर बढ़ चलो।
बहुत मजा आ गया, बहुत खुश हो गया। यस यस। इसलिए अब एक बार जो से हंसो मुक्का फोड़ के। नहीं मैं नहीं हंस सकता। क्यों? आप हंसो ना, आप हंसो। कैसे हंस रही हो? इतनी देर तक हंस सकती हूँ मैं। जो गाड़ियों में पेट्रोल एयर मिक्सचर जाता है या डीजल एयर मिक्सचर जाता है यहाँ पे वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए बहुत सारी बाइक्स उनमें दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि पेट्रोल और एयर जो मिक्सचर रहता है वो एक पर्टिकुलर सेट रहता है पहले से बाइक्स में। अब यहाँ पे होता ये है कि हवा कम हो जाती है, इस वजह से गाड़ियाँ बंद होने लगती है और इस वजह से बेचारे बहुत सारे बाइकर्स इस चढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मम्मी रंगदुम की जो कैपेसिटी है ना उससे बहुत बड़ा तीर मार दिया इसने। और जब भी गड़बड़ हुई वो अपने कारण, हाँ। उसके कारण कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे नीचे उतरेंगे गाड़ी में जो पावर अंडर पार्ट फील हो रही है वो पावर वापस आती जाएगी। अच्छा, लेकिन ना धड़कने में। और मम्मी आपने भी जो ऊपर चढ़ते वक्त बहुत तंग किया, मेरे को ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं बहुत नहीं, जरूरत से ज्यादा प्लानिंग कर दी और फिर ऊपर ऊपर कुछ नहीं हुआ। थोड़ा गाड़ी चलाने पे ध्यान देना है, मैं रोज हाँ। बहुत वीडियो शूट कर लेता हूँ, पीछे भी मैंने इतने वीडियो शूट कर लिए हैं कि पता नहीं मैं कैसे उसको दो दिन में एडिट करके आपको दे पाऊंगा। उस दिन जब लाइव आया था आप लोग को बोल दिया था कि दो दिन में वीडियो नहीं आए, तो जो बोलना हो बोल देना, अब नहीं तो गालियाँ खाऊंगा, अब मैं एडिट नहीं कर पाया। गालियाँ नहीं देते, अब उनका मन होता है कि जल्दी दे दो। एक और चीज, हमारे स्पॉन्सर्स ने हमें स्पॉन्सर किया इस ट्रिप के लिए जिनका नाम है प्रोटेक्ट मी वेल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भले ही इंटरेस्टेड ना हो लेकिन एक बार उस प्रोडक्ट को जाके देखे जरूर, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करने में ये प्रोडक्ट आपके बहुत काम आ सकता है। मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता था, बड़ी सोच समझ के मैंने स्पॉन्सरशिप ली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस प्लान को जरूर से लीजिए। तो इस प्लान को जरूर से लीजिए, प्रोडक्ट मी वेल। बहुत सारी फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो आपके लाइफ के होते हैं उसके बारे में ये आपको आकलन करके बताता है कि ये कितने होने चाहिए, ये कोई प्रोडक्ट नहीं देता। और कितने रुपए में? मात्र 99 रुपीज, मात्र 99 रुपए में। कमेंट सेक्शन में लिंक दी हुई है, जाके चेक जरूर करिए। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड को हम बोल रहे हैं गुड बाय। वापिस आ गए हैं हम उसी शानदार ब्रिज पे। तो मम्मी ये अपन कौन सी रोड पे आ गए? ये फुटीला लिखा तो है जगह पे। फुटेला नहीं, फुटीला, फुटेला। In 300 meters, sharp left. In 300 meters, sharp left. देखा ना? गूगल बहन बोल रही है कि 300 मीटर में आपको लेफ्ट मुड़ना है। ये अपन को यही मुड़ना है। फुटीला टॉप 27.5 किलोमीटर। लो मम्मी आपका फुटेला टॉप 27 किलोमीटर दूर है। फुटेला ही तो है। वैसे तो उमिंगला पास की हाइट ज्यादा है लेकिन मेरे को टफ ये ज्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एकदम अचानक से इंक्लाइन हो गया। यहाँ पे शायद हुआ ये है कि इनने एक ही पहाड़ पे पूरा ऊपर तक रोड को पहुँचाया है। उमिंगला में अलग अलग पहाड़ों के बीच से काट के रोड बनाई है तो कहीं भी जगह बहुत ज्यादा स्टीप इंक्लाइन नहीं मिला, लेकिन यहाँ तो भैया इंक्लाइन गजब है। ये देखो है ना। अच्छी बात यह है कि टार्ड रोड है, काली रोड है, तो फिर इसमें स्किडविड होने का कोई चांस नहीं है। फुटीला पास की चढ़ाई जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं थोड़ी सी मुश्किल होती आ रही है, लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत बढ़िया है, पूरी रोड में ब्लैक टॉप है। बस ये एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ ब्लैक टॉप नहीं है तो वो रोड बनी रही है। बाकी आप नीचे देखिए वो जो काली सड़कें आपको zigzag दिख रही है उसी रोड से हम होके आए हैं। मतलब इतना सुंदर लग रहा है वो ब्लैक टॉप यहाँ पे ऊंचाई से देखने पे। मम्मी हाँ। आपको दिख रहा है वो ब्लैक टॉप? हाँ, दिख रहा है ना, उधर इधर उधर। अब देखते हैं यहाँ पे काम चल रहा है तो कितना टाइम लगता है। हम लोग आज किसी, मैं पता नहीं क्यों आज मेरा हानले में रुकने का बिल्कुल मन नहीं है, किसी भी हालत में मैं हानले को पार कर जाना चाहता हूँ। हानले को एक बार पार कर लिया फिर टेंशन नहीं है, रोड मेरा कल का दिखा हुआ है, न्योमा तक ले हानले हाईवे है, बढ़िया हाईवे है। मम्मी जैसे जैसे हाइट बढ़ती है स्लीपी, और मम्मी ने उमिंगला कर लिया तो अब मम्मी को लग रहा है कि बस अब तो किला पता कर दिया, अब चूल्हे में जाए दीन दुनिया। और क्या, उतने आराम से तुम उतारोगे और अपन उतरेंगे, अपने क्या करना है। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे कुछ काम चल रहा था बीच में, बीएरओ वालों ने सिर्फ हमारे लिए, हमारी एक गाड़ी थी और सिर्फ हमारे लिए ही उनने चार ट्रक साइड करवा दिए। ट्रक तो साइड करा दिए हैं, सामने इनकी रोड बिछाने वाली मशीन है, ये कैसे हटेगी बाबा। सबको सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू।
तो ये हमारा संतरा खाते खाते आ गया है, क्या लिखा है? फोर्टीला पास, 18,124 फीट, वर्ल्ड 6th हाईएस्ट मोटरेबल पास। ये पास खारदुंगला और चांगला से भी ज्यादा ऊंचा है। ले इसी खुशी में खा। बस अब आप ये जो रोड देख रहे हैं ना, आप ये जाएगी नीचे की तरफ और आपको यहाँ से थोड़ी देर में दिखेगा हानले का नजारा। यहाँ से मम्मी फिर एक 180 का टर्न और देखो नजारे, देखो नीचे क्या दिख रहा है, एकदम हर तरफ काली काली सड़कें, शानदार वाली। एक सड़क तो ये अपने बिल्कुल ही नीचे है, वो देखो सामने दिख रही है, और वो ऊपर वाली है जहाँ से अपन नीचे आए। फोर्टीला रोड ने तो अच्छा तेल निकाला है मेरा और मम्मी का। राइट लेफ्ट इतने हेयरपिन बेंड है ना, मैंने आज तक कभी इतने हेयरपिन बेंड किसी रोड पे नहीं देखे। इस रोड को बनाने के पहले आई थिंक फोर व्हील ड्राइव के अलावा कोई गाड़ी यहाँ जा ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं था। तो हमारा प्लान ये है कि हम करेंगे अभी हानले को पार और फिर न्योमा जाके रुकेंगे। नाहनले में रुकने का मन नहीं है, अभी बज रहा है 4:45, अंधेरा होने में कम से कम अभी 1.5-2 घंटे बचे। तो आज के दिन की जितनी रोलर कोस्टर राइड्स थी सारी की सारी खत्म हो गई हैं। हानले बस यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ मैंने गाड़ी इसलिए रोकी है बिकॉज मैंने सोचा कि एक बार हानले के पहाड़ों को आखिरी बार जी भर के देख लूँ। हानले वैसे एक छोटा सा गांव जैसा मुझे लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में हानले एक अच्छा खासा बड़ा शहर है और आर्मी प्रेजेंस भी काफ़ी है और गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे इंस्टॉलेशन यहाँ पे हैं। मम्मी को मैं बोलता हूँ कि रुक के थोड़ी देर घूम लिया करो, लेकिन मम्मी लगी हुई हैं अपने सामान को ठीक ठाक करने। ये ना टेरेस में फंस गया ये। क्या ये? अच्छा मैं समझ गया। एक मिनट आप पीछे हटो तो मैं उसको मैं निकाल देता हूँ ना। ऐसे ही लतर पतर कुछ भी करता रहता। तो वहाँ पे इतनी ठंड थी, मैंने कहा जहाँ ट्राइपॉड फेंकना है फेंको और आगे बढ़ो। हम लोग आप मानेंगे नहीं, पिछले 2 दिन कल 11 बजे जब मेरक को पार किया था आखिरी बार नेटवर्क मिला था, तब से हमको नेटवर्क नहीं मिला है। हानले गए थे, हानले में से BSNL चलता है। कल मेरा एक वीडियो रिलीज हुआ था, मैंने शेड्यूल कर दिया था, कौन सा वीडियो रिलीज किया ये भी ठीक से मेरे को ध्यान में नहीं है। अभी जैसे ही कहीं हमें नेटवर्क मिलेगा, ऐसा सुन तो रहे हैं कि न्योमा में नेटवर्क है 4G, तो धार मोबाइल बजेगा। तो शाम के बज रहे हैं 5:45, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। न्योमा यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, मेरे को लगता है 1-1.5 घंटा और लगेगा। तो मेरे को लगता है आज का वीडियो भी खत्म करने का टाइम आ गया है। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, आज खुशी इस बात की है कि जिस माइलस्टोन के पीछे भाग रहे थे बहुत दिनों से, आज वो पूरा हो गया। कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी हाँ कभी ना, कभी गाड़ी खराब कभी ठीक, ऐसे करते करते आज हमने उमंगला पास को जीत लिया है, निपटा दिया है। अब तो हमारी जर्नी अपने घर की तरफ चालू होगी, लेकिन दैट डजंट मीन कि अभी और कुछ देखने के लिए बचा नहीं है। बहुत सारे तो नहीं, लेकिन मेरे को लगता है 2-3 हाई पासेस अभी हमारे रास्ते में और आने वाले हैं। लेह मनाली रोड को हमें कवर करना है। जब मैं वहाँ से निकला था उस वक्त लेह मनाली रोड बंद था, अभी जाके पता चलेगा खुला है कि नहीं। इस वीडियो पे हमारा टारगेट 1000 लाइक का है, उसको आप ही को पूरा करना है, इसलिए जल्दी से लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कर दिया है तो करवाइए, और फिर खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।